हाय, मेरा नाम सुमित है और मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। तो मैं QHT क्लिनिक में आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो मुझे एक YouTube पे इन्फ्लुएंसर मिले थे, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड करा था QHT के लिए। एक दो साल पहले की बात है ये, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे फ़ोन नहीं किया। तो मैंने एक दो साल से फॉलो कर रहा हूँ QHT को YouTube में और Instagram में। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना हेयर ट्रांसप्लांट यहाँ से करा लेना चाहिए। अभी तक मुझे जब तक जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, तो काफ़ी साफ़ सुथरा सब कुछ और स्टाफ भी काफ़ी पोलाइट है। और अभी मेरे सारे टेस्ट हो चुके हैं, ब्लड टेस्ट लिए गए हैं और कल मेरा हेयर ट्रांसप्लांट है। अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है। मैं आया चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ में भी काफ़ी क्लिनिक है, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मैंने YouTube में जब देखा तो इनके इधर काफ़ी एडवांस टूल्स हैं और टेक्नोलॉजी जो QHT वो चंडीगढ़ में नहीं है। तो इसलिए मैं अभी QHT में आया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। ये मुझे मेरी एज 25 उसके बाद से स्टार्ट हो गया था। तो अभी मैं 29 का हूँ, तो 4 साल पहले से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। तो मेरी जो फ्रंटल हेयर लाइन है वो काफ़ी पीछे चली गई थी। तो लेकिन मैं मेडिसिन ले रहा था, लेकिन मेडिसिन से भी इतना रिजल्ट नहीं मिला। तो अब मैं 29 का हो गया हूँ, तो मैंने सोचा कि अभी एज भी होगी है, अब मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता हूँ। 25 मुझे काफ़ी लगा कि मैं यंग हूँ, तो उस टाइम नहीं कराना चाहिए। तो इसलिए मैं अब यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ QHT में। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हेयर ट्रांसप्लांट की, तो वो जो तो ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, तो उसको देख के काफ़ी डर लगता है। अभी तक तो मुझे मतलब काफ़ी अश्योरेंस दी गई है कि कुछ नहीं होएगा। तो अभी तक जो मेरे ब्लड टेस्ट लिए गए हैं उनमें भी मुझे अभी कोई ऐसा इशू नहीं फेस करा कि मुझे कोई पेन हो। अभी कल पता चलेगा बाकी कि हम हेयर ट्रांसप्लांट के बाद की पेन कितना होता है कितना नहीं होता है। नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ मैं इस सर्जरी को लेके, बाकी कल पता चलेगा इसके रिगार्डिंग। Now you can book a free online video consultation with our experts by clicking on the number given in the description. तो मेरी अभी सर्जरी खत्म हुई है, अभी जस्ट खत्म ही होके हटी है। और बेसिकली 9 आवर्स की सर्जरी थी। तो मैं अंदर गया, जो स्टाफ था काफ़ी कोऑपरेटिव था, उन्होंने मुझे मेरी सर्जरी के बीच में मुझे खाने के लिए दिया। उसके बाद जो मेरी लू ब्रेक्स थी वो भी बीच में मैं होके आया, तो काफ़ी कोऑपरेटिव थे। उस पेनलेस प्रोसीजर था, ज़्यादा कुछ पेन हुआ नहीं। एनेस्थीसिया लगा देते हैं वो जो स्टाफ हैं, और उसकी वजह से पेन इतना होता नहीं है। एंड अभी तक के लिए मैंने अभी देखा है तो मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ अपनी हेयर लाइन जो मैंने देखी उसमें, और कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है। स्टाफ भी काफ़ी प्रोफेशनल था। तो और मुझे जब मेरा प्रोसीजर ख़त्म हुआ, तो उसके बाद भी मेरे को मेडिसिंस दी गई हैं, और उसके बाद मुझे आफ्टर मील भी दी थी। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, एंड मेरा प्रोसीजर भी काफ़ी अच्छा हुआ। और अगर कोई किसी और को अपना हेयर ट्रीटमेंट कराना है, हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो मैं डेफिनेटली QHT को रेकमेंड करूँगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारी हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।